नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण नाना और आज के वीडियो से दोस्तों हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम एक एक करके अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड सारे ब्रोकर्स की एल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, ए टू जेड प्रक्रिया हम आपको बताएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें हम एक एक करके सारे वीडियोस में बताएंगे। और एक सीरीज़ में एक ब्रोकर से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे कि 7 से 8 वीडियोस बनाएं जिसमें कि सभी की सभी बारीकियों को हम उसमें कवर कर पाएँ और आपको एक एक चीज़ का प्रॉपर आइडिया लग पाए। तो आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है एंजल ब्रोकिंग के बारे में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि एंजल ब्रोकिंग जो कि अब बदलकर एंजल वन हो गया है, तो एंजल वन का किस तरीके से एपीआई हमको इंटीग्रेट करना है अपने प्लेटफॉर्म में, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उस सब के बारे में प्रॉपर ये वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कि कोई और चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो, और या फिर अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या होती है, आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में ये जानना, बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी होता है कि एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली कैसे होती है। तो एल्गो ट्रेडिंग आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है और एल्गो ट्रेडिंग कैसे होती है। तो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटिक होने वाली ट्रेडिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग मिथ होते हैं, कुछ सोचते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग हमने बोल दिया तो अब ये सब कुछ अपने आप ही होगा, एल्गो ट्रेडिंग मतलब सब कुछ अपने आप, हमको कुछ नहीं करना और बस ट्रेड होगा और प्रॉफिट हमारी थाली में आ जाएगा और हम अगले दिन उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो प्रोसेस आप मैन्युअली कर रहे थे, यानी कि कोई सिग्नल आपको मिल रहा था, किसी एक्सपर्ट चार्ट में आप देख रहे थे बाय का सिग्नल आया, उसको करने के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाते थे, वो टाइम लगता था, वो टाइम बच जाता है, बाकी सब चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं। सिंबल आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन से कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना होगा ये आपको सिलेक्ट करना होता है, स्टॉप लॉस कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, ये सब चीज़ें आपको उसमें फिक्स करनी होती हैं। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है सिर्फ कि वो प्रक्रिया जो आप मैन्युअली कर रहे थे जाके अपने प्लेटफॉर्म पर जाके बटन दबा के बाय या सेल कर रहे थे, वो काम सिर्फ ऑटोमेट होता है। ठीक है, अब ये ऑटोमेशन होता कैसे है, तो ये ऑटोमेशन होता है दोस्तों APIs के थ्रू। अब APIs क्या होती हैं, API होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसको मैं आपको एक फ़नी एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्में होती थी उसमें क्या होते थे कि जो ड्रग्स के स्मगलर्स होते थे वो क्या करते थे कि एक नोट लेके जाते थे फटा हुआ और उसको दिखाते थे, वो दूसरा बंदा जो उसको मैच करता था और वो दोनों आपस में मैच करके वो कहता था कि अब आप डिलीवरी ले सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ ही होती है API इंटरफेस में। उसमें ये होता है कि ब्रोकर को हम अपनी डिटेल्स भेजते हैं, जो हमारा ID पासवर्ड और TOTP वगैरह की इंफॉर्मेशन हम ब्रोकर को पास करते हैं, ब्रोकर ऑथेंटिकेट करता है कि बिल्कुल आपने सही डिटेल्स डाली हैं या नहीं डाली हैं, और अगर आपने सही डिटेल्स डाली होती हैं तो वो आपको एक टोकन प्रोवाइड कर देता है। अब वो टोकन का क्या काम होता है दोस्तों, टोकन ये करता है कि जब आप उस टोकन का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ एक्सेस करने की कोशिश करते हो, जैसे कि आप अपने फंड्स का एक्सेस लेना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि मेरा फंड कितना है, तो एक तरीका तो है कि आप जाके ब्रोकर के पैनल पे देख लो कितना है, दूसरा तरीका है कि API की मदद से आप अपना API टोकन भेजो और फंड की डिटेल के लिए उनका जो URL होता है जो लिखा होता है, जैसे कि जो भी XYZ कुछ भी URL हो सकता है, जैसे www.angel1.com/getfunds, तो इस तरीके की API पे हम अपना टोकन भेजते हैं तो वो हमें फंड की इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कौन कौन सा फंड हमारे अकाउंट में अवेलेबल है। इसी तरीके से जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए हमें ऑर्डर प्लेसमेंट की API को हिट करना होता है और जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो उनको भेजनी पड़ती हैं, टोकन साथ में भेजते हैं तो टोकन से वो समझ जाते हैं कि किस अकाउंट में ट्रेड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से API का फंक्शन काम करता है। अलग अलग चीज़ों की अलग अलग APIs होती हैं, जैसे कि फंड्स के लिए अलग होती है, ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए अलग होती है, ऑर्डर गेट करने के लिए अलग होती है, पोजीशंस गेट करने के लिए अलग होती है, और लाइव फीड को गेट करने के लिए अलग होती है। जो लाइव फीड को हम गेट करते हैं उसके लिए हम वेब सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं और वेब सॉकेट की मदद से हमको लाइव फीड मिलता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये है प्रोसेस दोस्तों की एल्गो ट्रेडिंग का। एल्गो ट्रेडिंग मतलब ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, जिसमें कि हम एग्जीक्यूशन को ऑटोमेट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि सिग्नल जनरेट हो। जैसे सुपर ट्रेंड आपने मैनुअली यूज़ किया, सुपर ट्रेंड में बाय के एरो आने पे आपका बाय होगा, सेल के एरो आने पे आपका सेल होगा, तो आप क्या करते हो जब बाय का आता है तो आप जाके अपने प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो,
वो क्या करते हैं एल्गो ट्रेडिंग में कि मैथमेटिकली एल्गो में सुपर ट्रेंड का फॉर्मूला फिट कर दिया जाता है। जैसे ही सुपर ट्रेंड में बाय बनता है तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बाय का सिग्नल भेज देता है, जैसे सेल बनता है वैसे सेल का सिग्नल भेज देता है। ठीक है, ये हो गया तरीका। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से हमें एंजल ब्रोकिंग पर जाकर ये सब प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले तो जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके पास TOTP नहीं होता है, वो क्योंकि वो एमपिन यूज़ करते हैं और फिंगरप्रिंट स्कैनर की वजह से उनका अकाउंट मोबाइल में ओपन हो जाता है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर आने से पहले आपको TOTP जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो TOTP जनरेट कैसे होगा, उसके लिए जानकारी एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट पर जाते हैं, जो कि है आपको यहाँ पर टाइप करना है स्मार्ट, तो आपको लिखना होगा smartapi.angelbroking। उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एनेबल TOTP, तो इससे हमको TOTP एनेबल करना है। इसमें क्या करना होगा दोस्तों, इसमें हमें अपना यहाँ पर ये डालनी होगी क्लाइंट आईडी और एमपिन। जब हम यहाँ पर क्लाइंट आईडी और एमपिन डालते हैं उसके बाद एक हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आता है, वो OTP डालने के बाद यहाँ पर एक स्कैनर खुल जाता है। उस स्कैनर में आपको दो तीन चीज़ें मिलती हैं, एक तो स्कैनर मिलता है और एक कोड मिलता है। अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप मोबाइल पे गूगल ऑथेंटिकेटर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल ऑथेंटिकेटर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद उसमें प्लस का बटन आता है, उसको प्रेस करके स्कैनर का स्कैन करके और अपने आप आपको OTP दिखने लगेगा, फिर आप वो OTP को यूज़ कर सकते हैं। TOTP बोलते हैं उसको, टाइम बेस्ड OTP। ठीक है, तो वो TOTP आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, सारी डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं फिल करनी है, सेंड OTP पे क्लिक करना है, OTP आए तो वेरीफाई करना है और वेरीफाई पे क्लिक करके साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको आपकी डिटेल्स आपको वापस से यहाँ पर डालनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट, जिसमें कि आपने अपना TOTP जनरेट कर लिया और उसके बाद आपने हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर अपना अकाउंट ओपन कर लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा दोस्तों, सेकंड स्टेप होगा अपना अकाउंट का लिंकिंग करना हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। तो आप जैसे कि ये वीडियो एंजल ब्रोकिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन में जाके अपना ये एंजल ब्रोकिंग सिलेक्ट करना है और अपना ID पासवर्ड डालना है। TOTP जैसे मैंने आपको बताया आपको अपने वहाँ से गूगल ऑथेंटिकेटर से मिल जाएगा, वहाँ से आपको यहाँ पर इनपुट करना है, अपडेट करना है और उसके बाद आपको जनरेट टोकन पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वापस से इसी वेबसाइट पर यहाँ पर लेके आएगा, इस जगह पर लेके आएगा। इस जगह पर आने के बाद आप वापस से ऑथेंटिकेशन में आएंगे और यहाँ पर वैलिडेट टोकन पे क्लिक करके कन्फर्म कर सकते हैं कि आपको जो टोकन मिला है वो वैलिड है या नहीं है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि टोकन इज वैलिड का मैसेज आया हुआ है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये भी कंप्लीट हो गया है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि हमको एवरीडे बिटवीन 8 AM to 9 AM करना ही पड़ेगा। अगर हमने ये नहीं किया तो फिर हमारा टोकन नहीं मिलेगा और हमारा ट्रेड ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब टोकन नहीं होगा तो बाकी की चीज़ें हम खरीद नहीं पाएंगे। तो टोकन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला प्रोसेस है जो हमारी वेबसाइट पर आके के बाद करना पड़ता है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि आपको एल्गो ट्रेडिंग कौन से सिंबल में करना है, उसके लिए तैयारी करना। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको कैश और फ्यूचर का सिंबल क्रिएट करना बताऊंगा। अगला वीडियो जो मैं इसका बनाऊंगा उसमें मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का करना बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैश के लिए हमें जाना होगा यहाँ पर कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में, और कस्टमाइज स्ट्रैटेजी में जाने के बाद हम यहाँ पर सिंबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजीज अलग अलग हैं, इन सब अलग अलग स्ट्रैटेजीज का डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है। मैं मोस्टली सब लोग सुपर ट्रेंड को जानते होते हैं तो मैं सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंबल का नाम सर्च करना है, जो भी आप सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप SBIN यूज़ करते हैं तो आप SBIN लिखेंगे तो ये SBIN के सारे यहाँ पर डेटा आ गए। ठीक है, SBIN का अभी फ्यूचर आ रहा है। अगर आपको कैश चाहिए तो आप यहाँ पर NSE में जाएंगे और यहाँ पर आपको SBIN लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको SBIN इक्विटी मिल गया, इसको आपको सिलेक्ट करना है MIS या फिर CNC, दो ही ऑप्शंस को आपको यूज़ करना है, या तो MIS या तो CNC। आप NRML यूज़ नहीं करेंगे इक्विटी के लिए, क्योंकि NRML इक्विटी में NRML नहीं होता। ठीक है, या तो MIS या तो CNC। तो MIS मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्वांटिटी जो भी आपको डालनी है 5, 10, 20 जो भी, मान लीजिए मुझे 20 क्वांटिटी करनी है, मैंने 20 डाल दी। उसके बाद आता है ऑप्शन एंट्री टाइप कैंडल क्लोज या हाई लो ब्रेक।
तो अभी हम कैंडल क्लोज के बारे में जानेंगे। हाई लो ब्रेक के लिए मैं अपना अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। तो कैंडल क्लोज इसको बेसिक रहने दीजिए, उसके बाद कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे मुझे 2 पॉइंट का रखना है स्टॉप लॉस, टारगेट भी मुझे 2 पॉइंट का रखना है, तो स्टॉप लॉस टारगेट में मैंने 2-2 लिख दिया। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम, कितने टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग करना है। तो जो भी टाइम फ्रेम आपको चाहिए, 1 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट अगर आप करेंगे तो बहुत सारे सिग्नल बनेंगे, 3 मिनट करेंगे थोड़े कम सिग्नल मिलेंगे, 5 मिनट करेंगे थोड़े और कम मिलेंगे। जितना आप टाइम फ्रेम बड़ा रखते जाएंगे उतने ही सिग्नल्स आपको कम मिलेंगे और आपके जो फेक ट्रेड्स हैं उनसे आपको बच जाएंगे वो आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंट्राडे पोजिशनल, अगर आपको पोजिशनल करना है तो पोजिशनल करेंगे, इंट्राडे करना है तो इंट्राडे करेंगे। यहाँ पर मैंने क्योंकि MIS सिलेक्ट किया हुआ तो मैं इंट्राडे ही करूँगा, इसलिए इंट्राडे। उसके बाद टाइम डालेंगे हम कि कितने बजे आपका जो है ये ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए, स्क्वायर अप हो जाना चाहिए। उसका टाइम 3 बजे का टाइम डाला हुआ है, आपको चाहिए 3:10 डालना है, 15 मिनट डालना है, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको सेव चेंजेस करना है, सेव चेंजेस करने के बाद इस तरीके का कार्ड बन के आएगा, कार्ड को आपको स्टार्ट कर देना। तो दोस्तों ये था एल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट करने का तरीका, बहुत ही आसान। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद टोकन लेना है, टोकन लेने के बाद सिंबल क्रिएट करना है और उसको स्टार्ट करना है। पैरामीटर सारे आप एक ही बार डालेंगे, बार बार इसको डालने की जरूरत नहीं है। आज आपका ट्रेड 3 बजे खत्म हो जाएगा, अगले दिन फिर से जब भी पैरामीटर मीट होंगे, जब भी बाय का या सेल का सिग्नल बनेगा, आपका ट्रेड ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको कोई और भी फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीका है हमारे प्लेटफॉर्म पर एल्गो ट्रेडिंग करने का। अब जब आपका कोई भी ट्रेड होता है तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी सिग्नल्स के सेक्शन में। जब आप सिग्नल्स के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग स्ट्रैटेजी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि जो ये अभी सुपर ट्रेंड के सिग्नल में निफ्टी में जो ट्रेड हुई हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा है कि क्या क्या हुआ। तो इसमें मुझे बता रहा है कि 1263 रुपये के आसपास का प्रॉफिट जो है यहाँ पर मिल रहा है हमको आज आज की ट्रेड्स के अंदर। जो भी हमारे ट्रेड्स हुई हैं बाय की सेल की, जितना प्रॉफिट लॉस जो भी सब कुछ हुआ वो यहाँ पर सिग्नल्स के सेक्शन में दिख रहा है। ये है हिस्ट्री उन सिग्नल्स की, उन ट्रेड्स की जो हमारे आज के सिंबल में गए हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे को अपने पैसे, मेरे पैसे नहीं जाने चाहिए, मेरा ट्रेड जो हो वो ट्रेड हो लेकिन मुझे बस ये मालूम चले कि अगर आज मैं ट्रेड करता तो क्या होता, बट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं जाना चाहिए, तो आप पेपर ट्रेडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पेपर ट्रेडिंग मोड का सेक्शन मिलेगा, अगर आप इसको एनेबल कर देंगे तो आपका पेपर ट्रेडिंग मोड स्टार्ट हो गया। अब आपके जो भी ट्रेड्स बनेंगे वो आपको सिग्नल्स के सेक्शन में मिलेंगे और सिग्नल्स के सेक्शन से आपको देख सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं कि क्या रहा प्रॉफिट या रहा लॉस, वो सब जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि हमको वीडियो जो बनाने हैं अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग चीज़ों को आपको विस्तार से समझाना है। अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और फिर आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ बताऊंगा कि ऑप्शन में बाइंग कैसे कर सकते हैं, दोनों केसेस में, बाय के सिग्नल में भी बाय, सेल के सिग्नल में भी आप पुट को बाय कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक तरीका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।